एसएससी हेडक्वार्टर के सामने सीजीओ कॉम्प्लेक्स। आज रात को 2 बजे इसलिए लाइव आए हैं कि परसों 16 मार्च को जो हमने भूख हड़ताल रखी है पूरे भारत में, उसके विषय में इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करो, क्योंकि ये भूख हड़ताल हमारे लिए है और अब नहीं तो कभी भी नहीं। ये जो हंगर स्ट्राइक हम करने जा रहे हैं 16 मार्च को, वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे ऑल इंडिया लेवल के बच्चे और सारे टीचर्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म सीजो कॉम्प्लेक्स के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज हमें आप सबके समर्थन की जरूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। मैं खुद यहाँ आगरा से आया हूँ और मैं पूरे भारत में निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी गुरु हैं, जितने मेरे भाई हैं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आके हमारा समर्थन करिए। 1% अगर आप यहाँ नहीं आ पाते हैं तो अपने शहरों में, अपने क्षेत्रीय जगहों पे, बस अड्डा हो चाहे जो भी जगह, वहां पे धरना दीजिए, भूख हड़ताल करिए, हमारे हंगर स्ट्राइक को पूरी तरीके से सफल बनाइए। ये आप देख रहे हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे जो बच्चे हैं, जो रात को रुके हुए हैं, वो धरने पे यहाँ पे सो रहे हैं, क्योंकि रात का जो टाइम है वो काफ़ी हो गया है और दिन की थकान भी है। ये सभी बच्चे यहाँ पे रुके हुए हैं, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं। ये देखिए, यहाँ भी मेट्रो स्टेशन के बाहर ये बच्चे सो रहे हैं, कुछ अपना पढ़ रहे थे यहाँ पे, अभी ये अभी कुछ लेटे हैं। कुछ बच्चे यहाँ भी लेटे हुए हैं जो पूरे दिन यहाँ पे स्ट्राइक में थे, और ये बिल्कुल एसएससी ऑफिस के बाहर हैं। और अब आपके सामने है भीम, बोलिए भीम। 16 तारीख के लिए आप सबका यहाँ पर वेलकम है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए और यहाँ पर पहुँचने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। जय हिंद। जय हिंद।